Hey guys, welcome back to my channel. तो वापिस हाजिर हूँ मैं एक और आंवला की बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर। इसे आप आंवला जैम कह सकते हैं, इसे आप आंवला की चटनी कह सकते हैं, नाम आप इसे कुछ भी दें, लेकिन एक बात तो तय है कि ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, नाश्ते या टिफिन में बच्चों को ब्रेड में लगा कर इसे दे सकते हैं, या फिर दाल चावल के साथ भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए इससे पहले कि अमेजिंग सी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और कमेंट करने के साथ साथ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर देरी किस बात की, फटाफट बनाना शुरू करते हैं ये खट्टी मीठी आंवले की चटनी, या फिर आप इसे आंवले का जैम भी कह सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 500 ग्राम आंवला। ये आंवला मुझे मेरी फ्रेंड ने लाकर दिया था जिसके घर में आंवले का पेड़ लगा हुआ है, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही बढ़िया आंवला थे, तो मैंने भी सोचा चलिए इसे एक रेसिपी बना ली जाए। तो आंवला के गुण तो आप सभी जानते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बच्चे इसे खाने से कतराते हैं, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से इसको बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है और एक स्टीमर में मैं डाल दूंगी ये आंवला। आंवला को अच्छे से धोकर मैंने तैयार कर लिया था, उसके बाद ही मैंने इसको स्टीमर में डाला है। ये मैं मोमो स्टीमर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल स्टील या फिर एल्यूमिनियम के स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम 10 मिनट तक इस आंवला को अच्छे से स्टीम होने देंगे, और ये देखिए आंवला अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे, आपने इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने देना है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं, और अब एक बोल में मैं यहाँ पे ले लूँगी करीब 1/4 कप गर्म पानी, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से केसर के धागे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भी 15 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और यहाँ हमारे आंवले भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं ले लूँगी ये ग्रेटर, ग्रेटर का जो मोटा वाला साइड होता है उस साइड से आपने इसको ग्रेट करना है। तो अब हम आंवले को ग्रेट करना शुरू करेंगे, बीज को आपने निकाल कर अलग कर देना है और आंवले को आपने अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, 15 से 20 मिनट में ये जैम बनकर तैयार जाता है, और बहुत ही कम सामान के साथ हम इस जैम को बनाकर तैयार करेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और आज ये जो जैम मैं बनाने जा रही हूँ ये एकदम शुगर फ्री जैम मैं आपके लिए बनाकर तैयार करूंगी। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारा ये आंवला जैम बनकर तैयार होने वाला है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आंवला को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, इसको मैं एक बोल में ट्रांसफर कर दूंगी। और आपने आंवला को स्टीम करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि 10 मिनट से ज्यादा आपने इसको स्टीम नहीं करना है, वरना ये बहुत ज्यादा मुलायम हो जाएंगे। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 600 ग्राम मिश्री, और मिश्री चीनी का बहुत ही हेल्दी और सबसे बढ़िया सब्स्टिट्यूट है। तो चलिए अब हम इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको पाउडर फॉर्म में यूज करने से इसको मेल्ट करना आसान हो जाता है। तो देखिए ये एकदम परफेक्ट पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे ले लूंगी एक कढ़ाई, इसमें मैं डाल दूंगी ग्रेट किया हुआ आंवला, गैस का आंच जो है वो मीडियम पर होना चाहिए, और अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मिश्री का पाउडर। अब हम इसको लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि मिश्री जो है वो अच्छे से घुल न जाए, और क्योंकि हमने मिश्री को पाउडर फॉर्म में यूज़ किया है तो मिश्री को घुलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लगातार आप इसे चलाते रहें, फ्लेम को आपने मीडियम पर ही रखना है, और ये देखिए मिश्री अच्छे से घुल गई है और हमारा मिक्सचर जो है वो पानी छोड़ने लगा है। और अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे केसर का पानी, देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। और केसर का पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, हरी इलायची का पाउडर डालना है आपने, और साथ में 1 छोटा चम्मच काला नमक, अच्छे से इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर की जगह दालचीनी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए चीनी डालने की वजह से आंवला ने काफी पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे ढककर बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये जो पानी है ये एकदम सूख ना जाए और जो हमारा मिक्सचर है वो एकदम गाढ़ा ना हो जाए। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, फ्लेम को आपने मीडियम पर ही रखना है, और ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। इसको आप ढककर ही पकाएं क्योंकि ये गर्म छींटे छोड़ेगा और गर्म छींटा आपके ऊपर भी आ सकता है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसको ढककर ही पकाना है। और देखिए धीरे धीरे ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, काफ़ी थिक इसकी कंसिस्टेंसी हो गई, लेकिन हमें इसे थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा। और जब तक ये पक रहा है मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं थोड़े से चॉप किए हुए बादाम, काजू और पिस्ता। अब हम इनको एकदम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए करीब 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने की वजह से ये ऑयल रिलीज करते हैं और खाने में और टेस्टी लगते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं। और ये देखिए हमारा जैम काफी थिक हो चुका है। पैन के साइड में आपको जो झाग नजर आ रहा है ये एक निशानी है कि जैम ऑलमोस्ट तैयार है। तो चलिए रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर देते हैं, और साथ में मैंने थोड़े से किशमिश भी इसमें डाल दिया है। और ये ड्राई फ्रूट्स और किशमिश ऐड करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इनको भी अच्छे से जैम के साथ मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे और पका लेंगे।
करीब 2-3 मिनट और पकाएंगे और ये हमारा जैम एकदम रेडी हो जाएगा। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक होगा। देखिए कितना ग्लॉसी है और कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया है केसर का, तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। स्टेज में हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हमारा आंवला जैम बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी ये पता लगाने के लिए कि जैम परफेक्ट बना है कि नहीं। एक प्लेट ले लें, उसमें थोड़ा सा जैम डाल दें और अगर जैम नीचे की तरफ ना गिरे इसका मतलब जैम एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद ये जैम थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा और अगर खाते वक्त या फिर सर्व करते वक्त आपको लगे कि जैम बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप उसको हल्का सा गर्म करके फिर उसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लूँगी और ये हमारा आंवला जैम बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। आप इसे ऐसे ही गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ये ठंडा भी काफ़ी टेस्टी लगता है। इसे आप गर्मा गर्म पूरी, पराठा, दाल चावल या फिर ब्रेड के साथ सर्व करें, बहुत ही अमेजिंग ये चटनी बनकर तैयार होती है। देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर ग्लेज आया है और कलर भी कितना अच्छा लग रहा है केसर की वजह से। एकदम परफेक्ट रेसिपी है और इसे बनाना भी बेहद आसान है और बहुत ही कम सामान के साथ ये आंवला जैम बनकर तैयार हो जाता है। और आप इस आंवला जैम को किसी सूखे और साफ एयरटाइट कंटेनर में रखकर महीनों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसका खट्टा मीठा टेस्ट छोटे से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है, तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और हेल्दी होने के साथ साथ काफी टेस्टी भी है। तो फिर देर किस बात की, फटाफट आंवला खरीद कर ले आइए और बनाइए ये बहुत ही मजेदार खट्टा मीठा आंवला का जैम। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज ये आंवला जैम यानी कि आंवला की चटनी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।